साहिर लुधियानवी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। साहिर का असल नाम अब्दुल्हई था। उनकी पैदाइश 8 मार्च 1921 में लुधियाना के पंजाब में मुस्लिम घराने में हुई। साहिर तालिब इल्मी के वक्त से ही शेर कहने लगे। उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी शायरी की। यही वजह रही कि इन्हें कॉलेज में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। कॉलेज में इनके अशार को लोग काफी पसंद करते थे। साहिर की शायरी से इंडियन बॉलीवुड फिल्म गानों का ना सिर्फ म्यार बुलंद हुआ बल्कि इनके गीत इंडियन सिनेमा घरों को काफी मुतासिर भी की। साहिर लगातार 30 सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखते रहे। लगभग 113 फिल्मों के लिए 800 से ज्यादा गीत इन्होंने लिखा। 1963 में फिल्म ताजमहल में बेहतरीन गीत निगार के लिए पहला फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। 1971 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। 1976 में फिल्म कभी कभी में बेहतरीन नगमा निगारी के लिए दूसरा फिल्म अवार्ड से सरफराज किया गया। साहिर के अदबी दुनिया से लेकर फिल्मी दुनिया तक के नुमाया कारनामे को देखते हुए उनके 92वीं सालगिरह के मौके पर इनके एजाज में यादगार के तौर पर डाक टिकट भी जारी किया गया। ऐसे अजीम शख्सियत को मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी अपना सालाना प्रोग्राम साहिर की शायरी के अनवान से इंटरनेशनल शाहरोजा 15, 16, 17 दिसंबर 2023 को अलीपुर के धनाधन ऑडिटोरियम में साहिर पर मुख्तलिफ नवयत के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने जा रही है। इस सिलसिले में एकेडमी में रिसेप्शन कमेटी मीटिंग भी बुलाई गई जिसमें नेक मशवरे पर तबादला ख्याल भी किया गया और कोलकाता से लेकर मुजफ्फरपुर तक के लोगों पर जिम्मेदारियां भी दी गई। इस मौके पर मौजूद थे मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन एमपी नदीमुल हक, परवेज रजा, एस हैदर, तौसीफ रहमान, डॉक्टर अकील अहमद अकील, वार्ड 44 की काउंसलर रेहाना खातून, इमरान जकी, डॉक्टर नौशाद आलम, रजिंदर सिंह, मुबारक अली मुबारकी, प्रोफेसर उमर गजाली, मंसूर आलम, अकबर जख्मी, साबिक काउंसलर इखलाक अहमद, मोहम्मद मुदस्सिर के अलावा दिगर हजरात भी मौजूद थे। कहा यह जाता है कि साहिर ने चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों उस वक्त कहा जब उनकी महबूबा अमृता प्रीतम, जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखती थी और सिख घराने से थी, अमृता के वालिद ने साहिर के साथ रिश्ता करने से इनकार कर दिया। इसी की याद में साहिर ने इस गाने को अपनी महबूबा के लिए डेडिकेट किया। साहिर के कई मजमुआ कलाम भी मंजर आम पर आ चुका है। कमेटी के मीटिंग का एक ही मकसद है कि इस वक्त जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं उसके ताल्लुक से उनको मशवरा देना है कि इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है वो हम लोग को बताएं और हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। ये रूटीन सीटिंग है, ये दूसरा सीटिंग था, इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग फिर जल्द मिलेंगे और अपने अपने इलाके में जहाँ जहाँ उनको जो जिम्मेदार दी जा रही है या दी गई है उसका वो उसकी वो खबर हम लोग तक देंगे, खबर पहुँचाएँगे और हम लोग उसी हिसाब से फिर आगे तरफ कदम बढ़ाएंगे। साहिर की शायरी, साहिर को ये तारुफ के मोहताज नहीं है मगर उर्दू एकेडमी इतना बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है साहिर की शायरी। कोई भी बड़ा से बड़ा तारीखदान, राइटर्स, शायर, जब उनका जो मैसेज होता है वो मैसेज अगर घर घर नहीं पहुंचा तो वो गुमनाम हो जाता है। मैं एक वाक्य बताता हूँ कि चंद रोज़ पहले कुछ साहब आपस में बात कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि कभी कभी दिल में ख्याल आता है आप लोग गुनगुना रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं, इसका राइटर कौन है, ये शायर कौन है। तो अफसोस की बात यह है कि उन लोगों ने बताने से माजा चाहिए और वो नहीं बता सके। हम लोग का मकसद ये है कि इतना बड़ा शायर कुछ दिनों बाद गुमनाम हो जाएगा तो उर्दू अकेडमी अपनी जिम्मेदारी समझती है कि उनको सामने लाया जाए, किताबी शक्ल में उनको ज़िंदगी दी जाए। ये प्रोग्राम इंटरनेशनल प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या तवक्को लगा रहे हैं, किस हद तक का ये सक्सेस हो पाएगा? तक देखा आज तक हम लोग जितने प्रोग्राम किए हैं उस सफर एक पर एक हावी होता गया है। उम्मीद इंशाल्लाह का हमारा ये प्रोग्राम गुज़्ता बड़े प्रोग्राम को होने में ज़्यादा बेहतर साबित होगा और यही बात पूरा शहर ही नहीं बल्कि पूरा सूबा सोच रहा है। इंटरनेशनल से कौन कौन लोग आप लोगों के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं? प्रोग्राम में तुर्की से है, मिस्र से है, ईरान से है और दूसरी और जगहों से है, जिसकी तफसील हम किताबी शक्ल में आप तक पहुँचा देंगे। डॉक्यूमेंट्री का भी डिमांड किया जा रहा है, क्या आने वाले कल में डॉक्यूमेंट्री भी? हाँ, डॉक्यूमेंट्री की बात हुई है, उसका काम भी हो रहा है। उम्मीद इंशाल्लाह हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिर पेश कर सकेंगे।
कल में उर्दू एकेडमी किस तरह का कदम भाई? उर्दू एकेडमी तो अब एक प्रोग्राम के तहत एक बना प्रोग्राम बनाते हैं, उसके तहत हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सिलेक्शन होते हैं हमारे, और लोग प्रोफेसर हैं, जबीर साहब हैं, हैदर साहब हैं, नदीम साहब है, बैठ के इस चीज़ पर मशवरा करते हैं, दीगर और अदीबों से प्रोफेसर से मशवरा करके तभी हम लोग इन्वाइट करते हैं, और लगभग हम लोग सभी कवर करते हैं, यहाँ तक कि लोकल जितने भी शोरा हैं सबको हम लोग इनकरेज करते हैं कि वहाँ पे आए। तो ऐसे मेरे ख्याल फिलहाल टिल डेट आज के तारीख में साहिर की सेंटेनरी अभी किसी शहर में नहीं हो रहा, और जिस पैमाने पे हम लोग करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं करने को, इंशाल्लाह बहुत बड़ा रहेगा और आने वाले सालों तक लोग इसको याद करेंगे। हमारी जितनी भी कोशिशें हैं वो जारी रहेगी, और इंशाल्लाह हमारे पीछे बयाज़ गालिब जिस तरह से हुई थी कामयाब, उससे कम नहीं रहेगा बल्कि बेहतर ही रहेगा। उर्दू अकेडमी अपने कारकर्दगी को लोगों तक पहुंचाने का मकसद हमेशा लेकर के, इसी नज़रिए को लेकर के हमेशा प्रोग्राम करती रहती है, और उसे प्रोग्राम को कामयाब भी हो और लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि आपकी ज़ुबान की अहमियत आपकी ज़िंदगी में कितनी माने रखती है। तो जो नई नस्ल है, मखसूस तौर पर जो नई नस्ल है, जो आज के उर्दू अल्फाजों को, उर्दू हरफों को जो बोल नहीं पाती, जो समझ नहीं पाती, तो इस नस्ल को उर्दू एकेडमी ने बड़ी फिक्रमंदी से इसे देखा कि आने वाले दिनों में हमारे जो अहले कलम हैं उनकी तवारीख ऐसे लोग कभी भूले नहीं जाता, क़यामत तक इनकी याद कभी ये भूले नहीं जा सकते, ऐसी शख्सियात हैं ये। लेकिन उनकी तवारीख, उनका मकसद, उनकी जो मेहनत है, जो माशरे के लिए उन्होंने पैगाम दिया, वो लोगों तक पहुँचे, मकसूद तौर पर नई नस्ल तक पहुँचे। अक्सर देखा जाता है कि उर्दू एकेडमी एक ऐसे शायर का इंतखाब करती है जो हमारे दरमियान रहते हुए भी नहीं रहते हैं, और उसके बावजूद भी कुछ उर्दू वाले ये क्रिटिसाइज करते हैं कि उर्दू एकेडमी कुछ नहीं करती है। क्योंकि एकेडमी जब कोई प्रोग्राम करती है तो तमाम जितने मेम्बर्स हैं, बल्कि जो असर रसूख लोग हैं मगरबी बंगाल में, बहुत सारे इदारे के ऐसे लोग हैं जो इदारा चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों की सलाह लेकर, मशवरे लेकर के ही वो अपने काम को करती है, अपना प्रोग्राम करती है, तय करती है। और शाहिर साहब का इंतखाब इस दफ़ा इसलिए हुआ कि तमाम लोगों का ये सलाह था कि इनकी शायरी पर एक प्रोग्राम किया जाए, करना तो है किसी न किसी को लेकर के, क्योंकि इनके जो सोच इनके गानों में थी, तराने में थे, जो नज़्म में थी, तो उसमें हिंदुस्तान की वो तस्वीर की झलक पाई गई जिसमें वाकई हमारे हिंदुस्तान में अमनो अमान, मुआशरे की फलाह और नई नस्ल को कोई सबक आमोज पैगाम उन्होंने दिया, इसलिए ये तय पाया कि इन्हीं की ज़िंदगी हयात पर एक प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम को लेकर के कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि एक तरफ जहां फलस्तीन और इसराइल का इतना बड़ा मुद्दा सामने है, ऐसे में उर्दू एकेडमी का ये जश्न मनाना किस हद तक सही साबित हो रहा है? ये जश्न नहीं है, उर्दू एकेडमी अपने प्रोग्राम को सालाना तौर पर करती रहती है, और उसका गम इसराइल का जो फलस्तीन के साथ हो रहा, उसका गम तमाम उर्दू दा के दिल में, उर्दू एकेडमी के तमाम अहदेदारान मेंबर सभी के दिल में है। लेकिन जो हमारा सालाना प्रोग्राम तय हुआ है उसको हम लोग कर रहे हैं, ये जस्ट नहीं, ये ज़रूरत है आज की, जिस ज़रूरत को पूरी कर रही है एकेडमी। मगरी बंगाल उर्दू एकेडमी साहिर पर 3 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद करने जा रहा है 15, 16 और 17 दिसंबर को, और हमारी या हम लोग नदीमुल हक साहब की रहनुमाई में ये कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम बम्पर प्रोग्राम हो, और ये प्रोग्राम हमको, मुझे जैसा लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रोग्राम साहिर पर होगा। उर्दू एकेडमी के बेशुमार ऐसे प्रोग्राम रहे जो काफ़ी ज़्यादा नामवर साबित हुए, जैसे गालिब का देख लीजिए, सहाफत पे देख लीजिए, क्या ये तमाम प्रोग्राम को रिकॉर्ड तोड़ेगी? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे कि अपने तमाम प्रोग्राम से में जो किए हैं, जो कामयाबी मिली है, इसमें भी बहुत हद तक हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले, और हमारी क्या, हमारे तमाम टीम जो नदीमुल हक साहब के अंडर में हमारी जो टीम है, वो टीम जो है ये कोशिश कर रही है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाए। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात को कहना चाहूँगा कि हमारा ये है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। इसकी शोहरत है इस प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम की शोहरत का जामिन होना एक बड़ी बात है।
इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि इस प्रोग्राम की तकमील के बाद, प्रोग्राम जब हो जाए, मुकम्मल हो जाए, उसके बाद इस प्रोग्राम की पूरी तफसील मुशायरे के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से और जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी पूरी तफसील एक किताबी शक्ल में प्रोग्राम के बाद जरूर आए, ताकि दुनिया उर्दू अदब के जितनी गोशें हैं, जितने अदारे हैं, जितनी अकेडमीज हैं, जितनी इंस्टीट्यूट हैं, उन तमाम तक पहुंचाई जा सके। और ये बायलिंगुअल कम अज कम होना चाहिए, उर्दू में और एक अंग्रेजी में भी हो कम अज कम। इसके अलावा अगर और लैंग्वेज पढ़ाना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बायलिंगुअल जरूर हो, ताकि दूसरे उर्दू के चाहने वाले भी उनसे जुड़ सके और अपनी उन तमाम कारनामे से, उन तमाम प्रोग्राम के हवाले से पूरी वाकफियत हासिल कर सके कि उर्दू अकेडमी ने क्या क्या प्रोग्राम लिए थे। क्योंकि ये किताबी शक्ल में चीज जब रहती है तो वो हमेशा कायम रहती है, हम रहे ना रहे अकेडमी रहेगी और ये किताब भी रहेगी, किताब में लिखी हुई जो तारीख इस प्रोग्राम की रहेगी वो हमेशा जिंदा रहेगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू अकेडमी का मुशायरा है, उर्दू अकेडमी का मेयार के हिसाब से एक यादगार मुशायरा होना चाहिए। जिस तरह पिछला हुआ, लोग खड़े रहे, जगह न मिली और मतलब ऑडिटोरियम इलाके में भी जगह नहीं मिला, पर ये जगह बड़ा अच्छा मुंतखब किया नदीम भाई ने। इस बात का एक बड़ा छोटा सा मशवरा यही है कि जरा उस लिस्ट को मैं आ रही और देख लेंगे इंशाल्लाह।